नंबर 10 8 से शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है तशहुद में दुआएं। जस्ट टू रीकैप, अपने माइक्स प्लीज बंद कर लीजिए। जस्ट टू रीकैप, हम अब तक नमाज के तमाम अरकान कवर कर चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आज़ान, सूरतुल फातिहा, और उसके बाद रुकू और सुजूद की दुआएं। और तशहुद में हमने तीन मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ीं। पहली चीज़ ये थी, तीन चीज़ें अल्लाह के लिए, तीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक अपने लिए, एक अपने दोस्तों के लिए। उसके बाद हमने अपने ईमान की, अपने दीन की तजदीद की, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह से व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके बाद हमने दुरूद के कलिमात भी सीखे। अब हम एट द एंड ऑफ आर नमाज हैं, एट द एंड में हम दुआएं मांगेंगे। तो यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर नमाज सला, कि आप नमाज के अंदर भी हैं और दुआएं भी मांग सकते हैं। तो कौन सी दुआएं मांग सकते हैं? बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो सुन्नत से साबित हैं, उनमें से हम दो या तीन का तज़किरा करेंगे इस कोर्स में। आप इसके अलावा भी मांग सकते हैं, एंड वी कैन ओपन अप अ डिबेट एज टू कौन कौन सी दुआएं और किस किस ज़बान में मांगी जा सकती हैं। बट इररिस्पेक्टिव, नमाज के अंदर की जो दुआएं हैं वो डेफिनेटली प्रिफर्ड हैं। नमाज के बाद तो दुआएं आप मांगते ही हैं, ये नमाज के अंदर की दुआएं की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं कौन सी दुआ। सबसे पहली दुआ जो है, जो हमें से अक्सर को ज़बानी याद है, आइए इस दुआ को हम तफसील से समझते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। तीन लाइनें हैं, आइए इसको इस अंदाज में समझते हैं कि आज के बाद ये हमारे लिए ऐसे ही हो जाएं जैसे उर्दू के चंद कलमात। तो रब्बना, ए हमारे रब। इससे पहले हमने पढ़ा था रब्बुना, आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, रब्बुना में बा पे पेश है, रब्बना में बा पे ज़बर है। फ़र्क ये है, रब्बुना का तर्जमा है हमारा रब, और रब्बना का तर्जमा है ए हमारे रब। इसकी तफसीलात हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी कुरान करीम में या दुआओं में आप रब्बना देखें तो तर्जमा करेंगे ए हमारे रब, यानी आप रब से मुखातिब हो रहे हैं, ए हमारे रब। तो ए हमारे रब क्या कर हमारे लिए? आतीना, आतीना दो टुकड़े, आती का मतलब दे और ना का माना हमें, दे हमें। तो अल्लाह ताला से हम कुछ मांग रहे हैं, ए हमारे रब हमें दे। और फिर दुनिया, दुनिया में। अब ये लफ्ज़ दुनिया है, ये कैसे बनी है, इसको हम थोड़ा सारा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अकबरु, आप लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, अकबरु का माना होता है ज़्यादा बड़ा, कबीर का माना होता है बड़ा, अकबरु ज़्यादा बड़ा। इसकी मुअन्नस कहलाती है कुबरा, यानी ज़्यादा बड़ी। सो अकबरु की मुअन्नस कुबरा, इसी तरह असगरु की मुअन्नस सुगरा। ये पैटर्न्स देख रहे हैं आप, ग्रामर इज़ ऑल अबाउट पैटर्न्स। सो अकबरु, असगरु,